हम लोगों ने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था. इलास्टिसिटी सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी है. उस प्रॉपर्टी से क्या होता है, जब हम उससे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी. ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो वापस आती है उसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी. और इस इलास्टिसिटी के अंदर रीज़न क्या है उसका, इंटर एटॉमिक फोर्सेस. इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो कि दो ऑब्जेक्ट्स को, दो एटम को एक फिक्स डिस्टेंस पर रखते हैं. ये हम स्टडी कर चुके हैं. अगर हम नज़दीक लाएंगे तो वो दूर चले जाएंगे, और अगर हम उनको दूर ले जाएंगे तो वो नज़दीक आ जाएंगे. ये प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी. ओके, अब अगर हम किसी को, मटेरियल को एक्सटेंड करते जाते हैं, यानी इसकी लंबाई बढ़ाते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ते चले जाएगा, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, कौन किस तरह से बिहेव करेगा. हम क्या लगा रहे हैं फोर्स, उसके कारण इसमें क्या पैदा हो रहा है, स्ट्रेन. इसके अंदर क्या पैदा हो रहा है, स्ट्रेस, जो कि हमारे लगाए हुए डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होता है. तो हम इस पर फोर्स लगाते हैं और इसकी लेंथ इंक्रीज होते जाती है. अगर हम फोर्स को डबल कर दें तो लेंथ क्या डबल हो जाएगी, या तीन गुना हो जाएगी, या थोड़ी सी ही बढ़ेगी. ये वाली जो स्टडी है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. इसका एक ग्राफ बनाएंगे और वो ग्राफ हमको बताएगा कि कितना स्ट्रेस बढ़ाने से कितना स्ट्रेन होता है, होता है नहीं होता, ज्यादा होता है कम होता है. ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट के लिए ये एक स्ट्रिंग ली, एक तार ली, वायर मेटल की बनी हुई, और इसके साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया जो आप अपनी लैब में भी करते हैं. ये एक फिक्स तार है, यहां पर हमने एक पॉइंटर लगाया और इस पॉइंटर के सामने यहां पर एक स्केल लगा दी. मान लीजिए इस पॉइंटर में भी एक वर्नियर स्केल है और ये भी एक वर्नियर स्केल है, तो एक वर्नियर स्केल पर दूसरी वर्नियर स्केल चलेगी, तो हम 1/10 मिलीमीटर तक का एक्सटेंशन नोट कर सकते हैं. ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर आपने चला के देखा होगा, 0.1 मिलीमीटर तक हम उसमें मेजरमेंट कर सकते हैं. तो ये थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा, यहां से हमको इसकी रीडिंग मिल जाएगी. इस पर हमने एक फिक्स वेट लगाकर इसको फिक्स कर दिया. ओके, अब ये वाली जो तार है, इस तार पर हमने एक पैन लगाया और इस पैन में हम यहां पर वेट इंक्रीज करते जाते हैं. जैसे जैसे हम इसमें वेट डालते जाएंगे, इस पर नीचे लगने वाला फोर्स इंक्रीज होता जाएगा. दैट फोर्स विल एक्ट एज ए डिफॉर्मिंग फोर्स, उसके कारण इसकी लेंथ बढ़ते जाएगी, कॉन्फिगरेशन में चेंज आएगा, लेंथ बढ़ते जाएगी. तो हमने नोट करना शुरू किया कि कितने परसेंट लेंथ बढ़ गई, और एक टेबुलेशन किया कि लेंथ का इंक्रीज कितना हो रहा है, डेल्टा एल बाई एल मेजरमेंट किया, डेल्टा एल अपॉन एल. ये हमको क्या देता है, स्ट्रेस. और हम जो यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स जो भी हमने यहां पर वेट लगाया, डब्ल्यू, दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये जो तार है इसका हमने वर्नियर कैलिपर से डायमीटर नाप लिया, उसका रेडियस नाप लिया, रेडियस कैलकुलेट करके पाई आर स्क्वायर किया, तो क्या मिल गया, इसका एरिया. वो अगर यहाँ का जो वेट है वो इस पे लगने वाला फोर्स है, और वेट यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हमको क्या देता है, स्ट्रेस. दिस इज स्ट्रेस, और ये डेल्टा एल अपॉन एल इसका नाम क्या है, स्ट्रेन. ये तो इसको हम मेजर करते चले जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे. क्या करेंगे, इधर वेट बढ़ाते जाएंगे. तो रीडिंग नंबर 1 में हमने लिख लिया वेट, नंबर 2, नंबर 3, 1 में इसकी जो रीडिंग थी उस रीडिंग को हमने 0 मान लिया.
जो भी रीडिंग यहां पर आएगी, ओके, उसके बाद हम यहां पर वेट ऐड करेंगे और उसके सामने जितना इंक्रीज होगा उसको यहां लिखेंगे। इस तरह से हर वेट के लिए हर लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे, वो हमें क्या दिखाएगा कि इसकी लेंथ कितनी बढ़ रही है। इस तरह से हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितना क्या हो जाएगा, कितने स्ट्रेस के लिए कितना स्ट्रेन है, इसको हमने एक ग्राफ बनाया। ओके, अब वो ग्राफ मैं यहां बनाता हूं। यहां पर एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं स्ट्रेन और यहां पर जो हमने फोर्स लगाया, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस। ओके, तो जब ये जीरो था उसी की रीडिंग को हमने जीरो स्ट्रेन माना और ये हमको यहां पर पॉइंट मिलेगा। उस समय इसकी कुछ लेंथ होगी। ओके, उसके बाद हम इसकी इसको इंक्रीज करते चले गए वेट को, तो हम क्या देखते हैं कि जो स्ट्रिंग की पहले लेंथ थी, मान लीजिए इतनी उसकी लेंथ ऑलरेडी थी, ये अब हमने इसको स्ट्रेन दिया, उसकी लेंथ बढ़ते चली गई, उसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते चले गए। तो स्ट्रेस दिया 1 किलो, यहां पर हमने लिया 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 1 किलो, थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई, इतनी लेंथ बढ़ गई, तो हमको एक कर्व का ग्राफ कहीं पे मिला ऐसे। फिर वेट को और बढ़ाया तो हमने देखा लेंथ और बढ़ गई, तो हमको एक दूसरा पॉइंट मिल गया। फिर इसके वेट को और बढ़ाया, देखा लेंथ और बढ़ गई, तो हमको तीसरा पॉइंट मिल गया। इस तरह से वेट बढ़ाते जाते हैं, लेंथ बढ़ते जाती है, एक के बाद एक पॉइंट हमको मिलते चले जाएंगे एंड बाद में हम इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला सकते हैं। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। कई स्कूल्स में होता है, कई में नहीं होता। क्या आप लोग के स्कूल में है? दो तार लटके हुए होंगे लैब में। ओके, तो ये इस तरह से ये पॉइंट मिलते हैं और इन सबको हम ऐसे ऐड करेंगे, ये ऐसा चलते जाता है। ओके, अब इसमें एक चीज बड़ी स्पेशल हम देखते हैं कि यहां पर जो स्लोप है वही स्लोप यहां पर भी है, वही स्लोप यहां पर भी है और वही स्लोप यहां पर भी है। ये हमें क्या बताता है कि पहले 1 किलो लगाने के लिए जितनी लेंथ बढ़ी थी, दूसरा 1 किलो लगाने के लिए भी उतनी ही लेंथ बढ़ी है, तीसरा 1 किलो लगाने के लिए भी उतनी ही लेंथ बढ़ी है। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब होता है कि लेंथ, अगर आप एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी उतनी ही बढ़े, एक जैसी ही बढ़ेगी। तो अगर यहां पर 1 किलो से 1 मिलीमीटर ये बढ़ा था तो दूसरे 1 किलो से भी 1 मिलीमीटर और तीसरे से भी 1 मिलीमीटर और। इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। और इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। बाद में जाके हम क्या देख, तो इसकी लेंथ जो है ये यहां से बढ़ के इतनी हो गई, इतनी हो गई और यहां पर हमने देखा ये इतना इंक्रीज आ गया इसमें, इसकी लेंथ यहां से शुरू की इतनी बढ़ गई तार की लेंथ। अच्छा, अब इसके ना यहां पर हम एक चीज का ट्रायल करते रहे। ट्रायल क्या किया, इसको हमने यहां पे 2 किलो दिया, 2 किलो का स्ट्रेस डाला इसकी लेंथ, 2 किलो का स्ट्रेस डाला लेंथ इतनी हो गई, फिर इस स्ट्रेस को हटा दिया तो ये वापस आ गया, जीरो लेंथ हो गई। फिर 3 किलो दिया, इतनी लेंथ हो गई, यहां से इतनी लेंथ। फिर हमने 3 किलो उतार दिया, वापस आ गया। ये वापस आना क्या दिखाता है? दैट इट इज अंडर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या पढ़ी थी हमने? इलास्टिक लिमिट वो वाला स्ट्रेस होता है कि जब तक हम स्ट्रेस को वापस करें वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। अगर हमने स्ट्रेस दिया और स्ट्रेस को हटाने के बाद वो वापस नहीं आया तो इसका मतलब है हम इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गए और वो अब वापस नहीं आएगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिस पर वो वापस आएगा उसको उसकी इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर हम देख रहे हैं इस वेट को हटाया वापस आता है, इतने वेट को हटाया वापस आता है।
अब जब हम इस कर्व को आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर जाकर एक लिमिट के बाद ये ऐसा हो जाता है, और यहां पर पहुंचने के बाद इसमें थोड़े से और वेरिएशन होंगे और ये ऐसे ऐसा बन जाएगा। इस तरह का ग्राफ हमको मिलता है। इसमें कुछ पॉइंट हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। ये क्या बढ़ा रहे हैं हम? स्ट्रेस। ये स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। इससे ये पॉइंट ऊंचा है, ये स्ट्रेस बढ़ गया। ये पॉइंट और ऊंचा है, ये स्ट्रेस और बढ़ गया। ये क्या दिखाता है? लेंथ बढ़ रही है। इससे ये पॉइंट पर लेंथ बढ़ गई, इस पर लेंथ और बढ़ गई। तो लेंथ भी बढ़ते जा रही है और स्ट्रेस भी बढ़ते जा रहा है, पर इसका प्रोपोर्शन ये नहीं है। शुरू में एक किलो रखने से एक मिलीमीटर बढ़ता था, एक किलो एक मिलीमीटर, एक किलो एक मिलीमीटर। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां से हमने यहां एक किलो बढ़ाया, एक किलो, और लेंथ इतनी बढ़ गई। ये प्रोपोर्शन बिगड़ गया यहां जाके, ठीक है। ये इस ग्राफ का मीनिंग है, और इस ग्राफ को देखने से आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां ये गड़बड़ हो रही है। एक क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ती है और दूसरी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ती है। ओके, ये जो ग्राफ बना इसी को ही हमने समझना है कि ये ग्राफ हमको क्या क्या इंडिकेशन देता है। तो इसके इंडिकेटर्स देखिए। एक इंडिकेटर हम इसका ये लेते हैं कि यहां से जब ये ग्राफ चला तो यहां तक इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, इट वॉज स्ट्रेट। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां से लेके ए से लेके बी तक, इसका जो बिहेवियर है ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। व्हाट इज हुक्स लॉ? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू स्ट्रेन। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, स्ट्रेस को बढ़ाते हैं स्ट्रेन भी बढ़ते जाता है। सो ए टू बी, ए टू बी हुक्स लॉ इज फॉलोड। हुक्स लॉ इज फॉलोड, स्ट्रेस स्ट्रेन। अच्छा, हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होता है ऑफकोर्स। उसके बाद हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और बढ़ाया। मैं बुक के अनुसार ही इसका नॉमेनक्लेचर करता हूं। लेट मी चेंज द नॉमेनक्लेचर। ये ओरिजिन को हम ले लेते हैं ओ, और ये पहले पॉइंट को ले लीजिए ए, सो दैट इट विल मैच द बुक। ओके, ए। अब हमने स्ट्रेस को और इंक्रीज किया और स्ट्रेस को बढ़ा के हम यहां तक ले गए। ये पॉइंट है बी। जब हम बी पॉइंट पर ले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि स्ट्रेस हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया और स्ट्रेन ज्यादा इंक्रीज हुआ। यहां पर क्या हो रहा था, ये इतना हमने स्ट्रेस इंक्रीज किया और इतना स्ट्रेन हो गया। इतना स्ट्रेस जब हम यहां कर रहे थे, ये इतना स्ट्रेस यहां भी किया था, ये इतना, इस पॉइंट से ये पॉइंट तक, ये स्ट्रेस है ये स्ट्रेन है। इतने स्ट्रेस के लिए इतना सा स्ट्रेन हुआ, यहां पर उतने ही स्ट्रेस के लिए इतना ज्यादा स्ट्रेन हुआ। अब हम क्या देखते हैं, हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। सो हुक्स लॉ कहां तक फॉलो हुआ, ओ से लेके ए तक, ठीक। अब एक चीज हम और ट्राई करते जा रहे थे कि बार बार हम अपना वेट हटा लेते थे ये देखने के लिए कि वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे तार आती है कि नहीं आती। तो हमने क्या देखा, इतने स्ट्रेस के बाद जब हम स्ट्रेस को हटाते हैं तो ये वापस आ जाती है। जब हम ये लेते हैं बी तो ये इतनी लंबी हो चुकी है, ये इतनी लंबी। अब अगर हम इसको हटाते हैं तो देखते हैं फिर भी वापस आ जाती, ये यहां से भी वापस आ गई। तो अब बताइए बी, बी पॉइंट के लिए हम स्पेसिफाइड क्या करते हैं कि बी इलास्टिक लिमिट में तो है। कैसे पता लगा, स्ट्रेस हटाया वापस आ गई, तो बी इलास्टिक लिमिट में है। लेकिन क्या
ए टू बी पोर्शन हुक्स लॉ को फॉलो करता है नहीं करता है। तो हुक्स लॉ को कहां से कहां तक फॉलो होता है, जीरो टू ए। तो जब हम इतना स्ट्रेस रखते हैं तो हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, और जब हम स्ट्रेस को यहां से यहां बढ़ा देते हैं तो हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। लेकिन क्या फॉलो होता है, इलास्टिसिटी अभी भी फॉलो होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट बना ए टू बी, ये तो यहां पर इलास्टिसिटी फॉलो होगी। तो इसके बाद इलास्टिसिटी फॉलो नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो क्या होगा, देखते हैं उसको क्या होगा। लेकिन इस पॉइंट को हम एक पर्टिकुलर नाम देना चाहते हैं। देखिए बी तक हमने स्ट्रेस को बढ़ाया, सब इधर ध्यान दीजिए, इसको जब हम स्ट्रेस को यहां तक बढ़ाते हैं तो ये वापस आएगा। अगर स्ट्रेस को हम यहां से इतना बढ़ाते हैं, ये तो देखिए लेंथ कितनी ज्यादा हो गई, ये इतनी ज्यादा, थोड़ा सा हमने स्ट्रेस बढ़ाया और लेंथ तो बढ़ते ही चली गई। एक्शन देखिए, इतनी लंबी तार है, ये 1 किलो 2 किलो 3 किलो 10 किलो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, उसके बाद 1 किलो बढ़ाया, ये ऐसा चला गया, ये क्या हो गया, ये उसने यील्ड कर दिया, समर्पण कर दिया कि भैया अब मेरे को अंदर स्ट्रेस बढ़ाने की ताकत नहीं है, उसकी स्ट्रेस बढ़ाने की ताकत खत्म हो गई। अब हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस देते हैं तो वो दूर होते चले जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे यील्ड पॉइंट। ओके, अप टू बी, अगर हमने अपना स्ट्रेस बी से और ज्यादा कर दिया तो ये वापस नहीं आएगा। अगर ये तार वापस नहीं आएगी तो क्या होगा, तो हम ये देखते हैं कि तार वापस तो आती है पर अपने जीरो लेवल पर नहीं आती। तो क्या होता है, देखिए ये एक पॉइंट और है सी, सी ये यहां से हमने स्ट्रेस बढ़ाया और यील्ड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ये इतना कर दिया, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ इतनी हो गई बढ़ के। अब हमने वेट हटाना शुरू कर दिया, वेट वापस किया, जैसे जैसे हम वेट को हटाते हैं देखते हैं ये लेंथ सिकुड़ने लगती, जब ये लेंथ सिकुड़ने लगती है तो हम 1-1 किलो कम करते हैं, जितनी जितनी लेंथ आती है उसका रिटर्निंग का ग्राफ बनाते हैं, यहां किया लेंथ इतनी हो गई, यहां से कम, फिर इसको यहां किया लेंथ और कम हो गई, फिर यहां से वेट कम किया लेंथ और कम हो गई, वेट और कम किया लेंथ और कम हो गई, ऐसा करते चले गए, ये सारे पॉइंट लगाते चले गए। तो हमने क्या देखा कि यहां पर हमको एक ऐसा ग्राफ मिलता है, और ये कम करते करते हमने वेट को जीरो कर दिया और ये ग्राफ यहां खत्म हो गया। जब हमने जीरो किया तो ये तार हमको इतनी लंबी मिली, एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तो इतनी लंबी थी, अब हमने वेट को फिर से क्या कर दिया, उतार उतार के एकदम जीरो कर दिया, कोई वेट नहीं है, लेकिन तार अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आई, ये इतनी सी लंबी हो गई तार, परमानेंट लंबी हो गई बिना किसी वेट के। अब हम उस तार को ऐसा लेके हाथ में रखते हैं तो देखते हैं वो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, क्यों, क्योंकि हमने लिमिट क्रॉस कर दी। कौन सी लिमिट क्रॉस कर दी, इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी, उसमें यील्ड पॉइंट की तरफ हम बढ़ने लगे। तो जब हम इस तरह से लिमिट क्रॉस करते हैं तो तार की लंबाई परमानेंटली बढ़ जाती है, फिर आप वेट हटा भी दीजिए तो भी तार की लंबाई परमानेंट बढ़ जाएगी। तो ये जो उसके एटम्स के बीच का डिस्टेंस था उसकी सेटिंग बदल गई, और ये सेटिंग परमानेंटली बदल गई, तो इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। ये वाला जो इसको मैं लिख देता हूं, लेट अस राइट इट एस एस इज परमानेंट सेट।
इंक्रीज इन लेंथ. ओके, ये हमको कब मिलता है? व्हेन वंस वी हैव क्रॉस्ड इलास्टिक लिमिट. फिर अगर हम वापस आएंगे भी तो भी वो जीरो पे नहीं आएगा, एक परमानेंट सेटिंग उसकी हो गई. सो दिस इज परमानेंट सेट. अच्छा, अब यहां तक हम स्ट्रेस को स्टडी कर चुके हैं. हमने स्ट्रेस को और बढ़ाया, एक आध किलो और बढ़ाया, तो इसको अब हम जैसे ही बढ़ाते हैं अब हम क्या देखते हैं कि ये धड़धड़ा के ऐसे लंबा हो जाता है तार. और वेट बढ़ाया, अब तो वो एकदम लंबा होना शुरू हो गया. थोड़ा सा वेट बढ़ाते हैं और लंबा हो जाता है, यानी अब उसके अंदर कोई हमारा अपोज करता नहीं है. खींचो, बढ़ जाएगी. वापिस खींचने की उसने वापिस खींचने का उसका जो प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई, इलास्टिसिटी खत्म हो गई. ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ते जाएगा तो जब लेंथ बढ़ेगी तो तार पतली होती जाएगी और पतली होते होते लास्ट में वो टूट जाएगी. इस तरह से स्ट्रेस बढ़ाने से बढ़ते बढ़ते वो ये एक पॉइंट आएगा और ये जो डी पॉइंट है यहां पर आकर वो टूट जाएगी, तो ये उसका ब्रेकिंग पॉइंट हो गया डी. तो डी अगर हम इतना स्ट्रेस लगा देंगे, ये स्ट्रेस इतना कर देंगे, तो अब वो तार क्या होगी? टूट जाएगी. तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस हुआ, ब्रेकिंग स्ट्रेस डी इंडिकेट ब्रेकिंग स्ट्रेस. ठीक है. अच्छा, ये एक पॉइंट है ई जिसका नाम है ब्रेकिंग पॉइंट. ये ब्रेकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, थोड़ा सा एक बिहेवियर ये हमको दिखाता है, उस बिहेवियर को देखिए. हमारे पास एक यहां पर तार लटक रही है, इस पे मैंने वेट लगाया, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो लगाया. ये 10 किलो, 5 6 7 8 9 10 ऐसा जब बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? उसकी लेंथ बढ़ते जा रही है, तार पतली होते जा रही है. 10 किलो पे वो टूट जाती है, 10 किलो पे टूट जाती है. तो मैंने जैसे ही इसको 10 किलो किया, ये ऐसे बढ़नी शुरू हुई. अब मुझे मालूम है ये टूट जाएगी, बहुत पतली हो गई, तो मैंने उसमें से 10 किलो में से 1 किलो उठा के वापस कर दिया. कितना बचा? 9 किलो. जब उसको 8 किलो से 9 किलो 10 किलो किया था तो वो और ज्यादा बढ़ने लगी थी और टूटने जा रही थी पतली होते होते, तो उसमें मैंने देखा टूट मत जाए तो उसको 10 को 9 किलो कर दिया. लेकिन 10 को 9 किलो करने से कोई फायदा नहीं हुआ, अभी भी वो अपनी लेंथ को 9 किलो से ही बढ़ाते चली जा रही है. 8 किलो कर दिया, तब भी बढ़ाते चली जा रही है और वो टूट गई. कितने किलो पे टूट गई? 8 किलो पे. तो एक बार हम उसके टूटने की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं 10 किलो से, फिर वो रुकती नहीं है. थोड़ा सा वेट कम भी कर देंगे तो भी नहीं रुकती है. अगर हम उसका वेट कम करके इतना कर दें ये, तब भी क्या होगा? ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी. तो ब्रेक के लिए हमको पूरा 10 किलो या जो भी डी का स्ट्रेस है उतने रखने की भी जरूरत नहीं है, एक बार यहां पहुंचाना जरूरी है. उसके बाद जब उसकी टूटने की प्रोसेस शुरू होती है उसके बाद आप वेट थोड़ा सा कम भी कर दीजिए तो भी वो रुकेगी नहीं, टूट जाएगी. और ये लॉजिक हम इसका जानते हैं कि जब हम उस पर मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस दे देंगे डी के बराबर, तो वो लंबी इतनी होगी कि पतली होती जाएगी और पतली होने से उसकी ताकत कम हो जाएगी. 10 किलो वेट लगाने से अगर वो पतली हो गई तो इतनी पतली हो गई कि वो 9 किलो को भी नहीं संभाल पाएगी, और पतली हो गई 8 किलो को भी नहीं संभाल पाएगी. तो हम अगर 8 कर भी देंगे तो 8 से भी टूट जाएगी. ये बात समझ में आई? इसलिए ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेकिंग स्ट्रेस से थोड़ा सा नीचे होता है. ई इज ब्रेकिंग पॉइंट. ओके, तो ये इसके सब पॉइंट्स हैं. ये अब आपको सब समझ में आ गए.
अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि इन पॉइंट से हमको क्या पता लगता है। किसी मटेरियल, कोई मटेरियल हमको मिला और हमने मैन्युफैक्चरर को बोला कि भाई इसका आप ग्राफ हमको दीजिए, इलास्टिसिटी ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। उसने हमको ये ग्राफ सप्लाई किया, तो इस ग्राफ से, उस मटेरियल का जो ग्राफ हमको मिला, उससे क्या क्या पता लगता है, इसको आपने देख लिया। अब मैं आपको वो तीन चार मटेरियल बताता हूं जिसके सैंपल ग्राफ हमारे सामने आए, और आप उसमें से उसकी कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी कैसे पता लगाएंगे। देखिए, ये ओके, अब मेरा क्वेश्चन सुनिए। वन और टू, इसमें से एक ग्राफ है, ये सब ग्राफ किस, कौन से दो कोऑर्डिनेट हैं? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, सबका यही समझ लीजिए। ओके, ग्राफ नंबर वन एंड टू, इसमें से एक आयरन का है और एक रबर का है, पहचानिए कौन सा। इसमें और इसमें किस चीज का डिफरेंस है? ओके, मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, इसका स्लोप ऐसा है और इसका स्लोप ऐसा है। यहां पर अगर आप 10 किलो देते हैं तो ये इतना सा बढ़ता है, और इसको अगर आप 10 किलो देते हैं तो इतना ज्यादा बढ़ता है। ये 10 किलो में इतना बढ़ा, ये 10 किलो में इतना बढ़ा। इन दोनों में से कौन रबर है और कौन स्टील है? फर्स्ट स्टील है, 10 किलो लगाया थोड़ा सा बढ़ा, और दूसरा वाला रबर है, 10 किलो लगाया बहुत ज्यादा बढ़ा। तो ये स्लोप आपको क्या बताता है? मोर इलास्टिसिटी, लेस इलास्टिसिटी। मोर इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, 10 किलो 1, तो रेशियो क्या आया? 10:1। इसका रेशियो क्या है? 10:2। तो ये कितनी इलास्टिसिटी हुई? इलास्टिसिटी मॉडुलस 10/2, 5। ये कितना हुआ? 10/1, 10। तो इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, और ये 10 इतना सा सिर्फ बढ़ा पाता है, इसमें 10 इतना ज्यादा बढ़ा लेता है। तो ये स्टील होना चाहिए और ये रबर होना चाहिए। तो अगर आपको पहचानने को दिया गया कि इन दो ग्राफ में से पहचानिए कौन सा स्टील कौन सा रबर, तो आप क्या बोलेंगे? वन में भी स्टील, सेकेंड में भी रबर। ये चीज समझ में आई? ओके, अब फिर से इन दोनों ग्राफ में मैं आता हूं। इन दोनों ग्राफ में एक ग्राफ है चीनी मिट्टी के इंसुलेटर का, चीनी मिट्टी का इंसुलेटर देखा हुआ आपने, कोई भी चीनी मिट्टी की चीज, ग्लास की चीज, ग्लास ऐसा मान लीजिए। और एक है ग्राफ इसमें से एल्यूमिनियम का, मेटल का। कौन सा एल्यूमिनियम का है और कौन सा चीनी मिट्टी के इंसुलेटर का है, और उसको हम कहां से पकड़ते हैं? देखिए, मैं आपको प्रॉपर्टी याद दिलाता हूं। प्रॉपर्टी यह है कि एल्यूमिनियम को लेके हमने दबाया हैमर से, फैल गया, और फोर्स लगाया और फैल गया, और फोर्स लगाया और फैल गया। इंसुलेटर को लिया, चीनी मिट्टी को दबाया, कुछ नहीं हुआ, और दबाया टूट गया। हाँ, अब देखिए फोर्थ कौन सा है? चीनी मिट्टी का, वेरी गुड। क्योंकि हम जब इतना स्ट्रेस देते हैं तो ये लेंथ है डेल्टा एल बाई एल, लेंथ, इसकी लेंथ नहीं बढ़ती, ये क्या होना पसंद करेगा? ब्रेक होना। इसका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, दोनों ने फोर्स बराबर लिया, इसने भी फोर्स लिया, इतने भी फोर्स लिया, लेकिन इसने क्या किया? जब हमने इसका फोर्स स्ट्रेस जब हमने यहां से यहां तक बढ़ाया, तो ये इतना लंबा हो गया, ये इतना लंबा।
लेकिन इसका जब हम स्ट्रेस बढ़ाने गए तो यहां से इसका स्ट्रेस यहां तक बढ़ाया, ये तो टूट गया। ठीक है, तो जो ग्राफ क्लिप शॉर्ट हो जाएगा वो टूटने वाली चीजों का होता है, और ये कैसी चीजों का होता है जो लंबी की जा सकती हैं, इनको क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए, मेलिएबल, और जिसको ड्रॉ कर सकते हैं एक और नाम क्या है उसका, द वायर्स विच कैन बी ड्रॉन, एक मेलिएबिलिटी होती है और एक और प्रॉपर्टी भी बोलते हैं ना, डक्टिलिटी। तो ये मटेरियल कैसे होंगे, मेलिएबल और डक्टाइल। मेलिएबल और डक्टाइल की पहचान क्या, ये वाली पूंछ बड़ी लंबी रहेगी, यानी आप स्ट्रेस लगाइए लेंथ बढ़ते चली जाएगी, ब्रेकिंग पॉइंट बहुत लंबा होने के बाद ब्रेकिंग पॉइंट मिलेगा और इसका ब्रेकिंग पॉइंट तुरंत मिलेगा, थोड़ा सा लेंथ बढ़ाइए ये टूट जाएगा। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल जो थोड़ा सा फोर्स लगाने से टूट जाते हैं? यस, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपको, ब्रिटल, वेरी गुड। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, ब्रिटल। तो यहां से आपको पहचान करनी है कि मेलिएबल कौन होता है और ब्रिटल कौन होता है। डेल्टा एल वेरी लॉन्ग, डेल्टा एल क्लिप शॉर्ट। इस तरह से आपको समझ में आएगा स्लोप कम या ज्यादा, ये चीज समझ में आई। ये सॉफ्ट होगा मटेरियल और ये वाला हार्ड होगा, इलास्टिसिटी इसकी ज्यादा होगी, इसकी इलास्टिसिटी कम होगी। इन दोनों का ये वाला पोर्शन देखने से क्या पता लगता है, कौन ब्रिटल है और कौन मेलिएबल है। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ में हमको ये बेनिफिट होता है। अच्छा, उसके बाद एक चीज, ये जो हमने लिया था पॉइंट डी, पॉइंट डी क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, इसको हम लोग इंजीनियरिंग में कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ये शब्द ज्यादा यूज होता है, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब कि अगर हम इतना फोर्स लगाएंगे टूट जाएगा। ठीक है, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंसाइल स्ट्रेस हमको बताती है कि यूनिट एरिया का मटेरियल लेंगे कितना फोर्स लगाने से वो टूट जाता है। तो ये हमने लिया और ये चौक लिया, हमने पूछा कि इसमें हमने एक किलो वेट लगाया, इसमें एक किलो वेट लगाया, कौन सा टूटेगा, तो हमको दोनों का ग्राफ चाहिए। ठीक है, और दोनों के ग्राफ में हम क्या देखेंगे, किसका डी ऊंचा है किसका नीचा। जिसका डी ऊंचा है वो क्या बताएगा, कि वो ज्यादा स्ट्रेस ले सकेगा, और जिसका डी नीचा है वो कम स्ट्रेस लेगा। समझ में आया, तो किसी का भी ग्राफ देखने से हमको ये पता लग जाएगा कि टेंसाइल स्ट्रेस किसकी ज्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस, तो फोर्स किसके बराबर हुआ, एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस। ये वाला जो फोर्स होता है एफ अपॉन ए इज इक्वल टू स्ट्रेस, अगर हम ये टेंसाइल स्ट्रेस ले लेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो ये आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस इनटू एरिया, दिस गिव्स अस टेंसाइल फोर्स। इसको नोट करिए, टेंसाइल स्ट्रेस इनटू एरिया इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। अब इसका मतलब क्या है और इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, टेंसाइल फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। इसके साथ हमने कुछ लटकाया, फोर्स लगा, इसका हमने एक पिलर बना दिया खंबा, और इसके ऊपर टेबल रख दिया, इसके ऊपर हमने ये पूरी छत रख दी, तो इसका फोर्स इस पे ऐसा लगेगा, तो हम ये फोर्स लगा रहे हैं। उस फोर्स पर यूनिट एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेस। अच्छा, अब
आप मुझे ये बताइए कि लोहे की तार हमने ली, एक लोहे की तार मैं लेता हूं और उस पर वेट बढ़ाता हूं, 10 किलो वेट आया टूट गई, पतली सी तार है, 10 किलो वेट आया तो टूट गई, तो उसकी ये ब्रेकिंग फोर्स कितना हुआ, 10 kg। उसके बाद मैंने एक प्लास्टिक पॉलीथिन वाइट वाला वो लिया, जो नायलॉन के आते हैं बार, वो वाला बार लिया या रस्सी ली, नायलॉन की रस्सी, और उसमें 10 किलो लटकाया, वो नहीं टूटी, 20 किलो लटकाया तब जाके टूटी, ठीक है। तो रस्सी ज्यादा मजबूत होती है कि स्टील ज्यादा मजबूत होता है, रस्सी, तो हम लोग अपनी बिल्डिंग और ब्रिज रस्सी के क्यों नहीं बनाते, स्टील के क्यों बनाते, ओके। तो एज ए फिजिक्स स्टूडेंट थोड़ा सा अंतर समझिए, मैंने आपको ये बोला कि मैं स्टील की वायर यूज कर रहा हूं और वायर का एरिया बहुत छोटा है, वायर का एरिया छोटा होता है, रस्सी या रॉड हमने यूज की तो उसका एरिया वायर के एरिया से 100 गुना बड़ा है, 100 गुना। अब देखो मैं दूसरी तरह से इसको पेश करता हूं कि अगर स्टील की मैं तार लेता हूं, 10 किलो में टूट जाती है, और उतनी ही मोटी अगर मैं नायलॉन की रस्सी लेता हूं, उतनी ही पतली नायलॉन की रस्सी लेता हूं, तो वो तो आधा किलो में ही टूट जाती है। लेकिन मैंने किया क्या, मैंने एक रस्सी नहीं ली, 200 रस्सी ली, 200 रस्सी को मिला के एक मोटी रस्सी बन गई, इतनी मोटी, तो मैं उसका एरिया बढ़ा रहा हूं, एरिया बढ़ाने से वो 20 किलो तक नहीं टूटती। तो दोनों में क्या चीज का डिफरेंस है और किसका डिफरेंस नहीं है, इसको समझिए। स्टील का टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेस, नायलॉन का टेंसाइल स्ट्रेस कम है, 1 किलो आधा किलो टूट जाएगा, दोनों का एरिया बराबर। लेकिन हमने चालाकी क्या की, रस्सी को मोटा ले लिया, 200 गुना मोटा कर दिया, सस्ती होती है, तो अब क्या हुआ कि 20 किलो तक वो वेट ले लेती है, 20 किलो में टूटती है। तो ये 20 किलो क्या है, ये 20 किलो ये है, 20 किलो क्या है, फोर्स, और वो जो आधा किलो है वो क्या था, स्ट्रेस। तो आधा किलो वाली रस्सी का स्ट्रेस लिया और एरिया उसका 200 ले लिया, तो फोर्स हमको कितना मिल गया, टूटने वाला फोर्स 20 किलो, जबकि हमने स्टील को लिया, स्टील का स्ट्रेस 10 किलो होता है, लेकिन उसका एरिया हमने एक ही लिया, 20 नहीं लिया, तो उसमें भी हमको फोर्स क्या मिला, 10, उससे कम हो गया। तो इससे आपको यह समझ में आना चाहिए दो चीजें, नंबर एक कि स्ट्रेस और फोर्स दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए, दोनों एक चीज नहीं होती है। स्ट्रेस में जब आप किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फोर्स मिलेगा, अदरवाइज स्ट्रेस मतलब क्या, सबका एरिया यूनिट, यूनिट एरिया का स्टील लो, यूनिट एरिया की रस्सी लो, यूनिट एरिया का नायलॉन लो, यूनिट एरिया का कॉपर लो, ये सबको वेट देके देखो, तब जो चीज हम कंपेयर कर रहे हैं वो क्या है, स्ट्रेस। समझ में आया। अब अगर हम एक पतली सी जंजीर ले रहे हैं और उससे एक तार से वेट लटकाते हैं, 10 किलो में टूटता है, उससे मोटी तार ले लेते हैं, 20 किलो में टूटती है, उससे और मोटी ले लेते हैं, 50 किलो में नहीं टूटती वो, और इतना बड़ा बार ले लेते हैं, 1000 किलो लगाते हैं तो भी नहीं टूटता है। अब ये भी स्टील है, 10 किलो में भी टूटने वाला स्टील है, क्या डिफरेंस है, एरिया का, एरिया हमने बढ़ा दिया तो क्या बढ़ गया, फोर्स, स्ट्रेस नहीं। फिर से याद रखिए, क्या बढ़ गया, फोर्स। ये बिल्कुल वही चीज है जैसे डेंसिटी और मास, स्टील की डेंसिटी वही है, वॉल्यूम बढ़ाते जाइए मास बढ़ते चला जाएगा, पानी की डेंसिटी वही है, पानी का वॉल्यूम बढ़ाते जाइए मास बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए हर चीज का स्ट्रेस वही है, एरिया बढ़ाते जाइए, उसको मोटा करते जाइए, फोर्स ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ज्यादा ले लेगा, तो हमको जिसमें इकोनॉमिकल यूज करता है उसको हम यूज करते हैं। एनीवे, ये तरीका आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि मुझे एक क्रेन यूज करनी है, क्रेन में स्टील की वायर यूज करनी है और उससे 1 टन का वजन उठाना है और मुझे 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर स्क्वायर की वायर चलती है, और अगर
उसी क्रेन से मुझे 10 टन का वजन उठाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा। वायर रोप का एरिया बढ़ा देंगे तो उसकी टोटल फोर्स बढ़ जाएगा। क्या उसका स्ट्रेस बढ़ेगा या फोर्स? फोर्स बढ़ेगा, स्ट्रेस तो वही रहेगा क्योंकि वो भी स्टील है। तो इसीलिए हम ज्यादा मोटी तार यूज करते हैं ताकि उसका फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स बढ़ जाए। अच्छा, ये एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज पर मैं आता हूं कि इसकी हम यूटिलिटी, इलास्टिक ग्राफ की इलास्टिसिटी का एप्लीकेशन क्या है। इलास्टिसिटी का एप्लीकेशन समझने के लिए, जब हम किसी इलास्टिसिटी का यूज कहां पर होता है, तो इलास्टिसिटी का यूज हर जगह पर होता है जहां पर हम सॉलिड मटेरियल को यूज करते हैं। हमने एक नट बोल्ट टाइट किया और वो नट बोल्ट दो सरफेस को पकड़ कर रखता है। ये एक छत है, इस छत के नीचे हमने ये एक लोहे की प्लेट लगाई और ये प्लेट 10 किलो की है, ऐसा गिर सकती है। तो हमने यहां नट बोल्ट लगा दिया, नट बोल्ट को टाइट कर दिया और ये प्लेट रुक गई, ठीक है। दूसरे कंस्ट्रक्शन में ये प्लेट 100 किलो की आई, एक नट बोल्ट लगाया, अब आप डर रहे हो कि ये 100 किलो की है, एक नट बोल्ट में नहीं टिकेगी, एक और लगा दो। ये आप क्या कर रहे हो, उसका एरिया बढ़ा रहे हैं। पहले नट बोल्ट का एरिया कम था, दूसरा हम उसका एरिया बढ़ा रहे हैं ताकि ब्रेकिंग फोर्स बढ़ जाए। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा? नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये बोल्ट है, यहां नट लगा है, नट के ऊपर वेट आता है, ये नीचे खींचता है, ये बोल्ट की लंबाई बढ़ती जाएगी। वही केस आ गया, बोल्ट की लंबाई बढ़ती जाएगी। अगर इसका स्ट्रेस इतना हो गया तो वो क्या हो जाएगा? यस, टूट जाएगा बोल्ट, और हम चाहते हैं कि वो ना टूटे। अगर हम चाहते हैं कि वो ना टूटे तो हमको कितना स्ट्रेस देना चाहिए, इस चीज को समझिए। कि कोई चीज को जब हम यूज करते हैं मशीन में तो उसका स्ट्रेस इतना रखें, इतना रखें, इतना रखें, इतना रखें कि इतना रख दें, इससे थोड़ा सा कम, कहां तक रखना चाहिए। तो ये बेसिकली इंजीनियरिंग का टॉपिक है कि हमको कितना रखना चाहिए। लेकिन फिजिक्स में हम एज ए प्रिंसिपल ये स्टडी करते हैं कि हमको उसका स्ट्रेस कभी भी ए से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, और अगर रखेंगे तो भी बी से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। बी क्या चीज है? यील्ड पॉइंट। अगर हमने बी से ज्यादा स्ट्रेस कर दिया तो उसमें क्या शुरू हो जाएगा? परमानेंट सेट, लंबाई उसकी परमानेंट बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर से ये बोल्ट से हमने नट लगाया और इसमें वेट दिया, इसका यील्ड पॉइंट है 100 किलो, और हमने ये चीज इससे लटका दी 110 किलो। टूटेगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि ये है 100 किलो, ये है 110 किलो, ये है 150 किलो। तो कब टूटेगा वो? 150 किलो में, हमने तो 110 ही दिया है। क्या हो जाएगा बोलो? 110 किलो 100 किलो यील्ड पॉइंट से ऊपर चले गए, 110 किलो में थोड़ा लंबा हो गया। अब हमने शीट उतार दी, ये वापस नहीं गया, उसके बीच में परमानेंट सेट हो गया, ये लंबाई इसकी बढ़ गई। तो हमने ऐसा किया, उसके बाद अपनी मशीन चलाई, थोड़े दिन बाद हमने देखा मशीन खड़खड़ खड़खड़ करने लगी है। हम बोले हमने तो नट बोल्ट टाइट किया था, क्यों गैप आ गया इनके बीच में? क्योंकि इसका प्रेशर, इसका स्ट्रेस कितना हो गया? यील्ड पॉइंट से ज्यादा हो गया। अगर यील्ड पॉइंट के अंदर हम स्ट्रेस रखते हैं तो वो स्प्रिंग जैसा इसको दबा के रखेगा, ये ऐसा बढ़ेगा, फिर ये वापस ले जाएगा। अगर हमने इसका स्ट्रेस यहीं तक रखा, ये यहां तक, यहां लंबा अगर इतना हो भी गया तो भी ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है, वापस आ जाएगा, यहां तक गया वापस आ जाएगा, यहां तक गया वापस आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी लंबाई, अगर इसका स्ट्रेस इससे बढ़ गया, इसकी लंबाई इससे बढ़ गई यील्ड पॉइंट से ज्यादा, तो फिर क्या ये वापस आएगा? नहीं आएगा। क्या हो जाएगा उसमें? परमानेंट सेट हो जाएगा। इसलिए हमारा नियम ये बना कि किसी भी चीज पर लोड देना है तो यील्ड पॉइंट के अंदर ही लोड देना है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो इसको नोट कर लीजिए, द लोड शुड बी गिवन अप टू यील्ड पॉइंट ओनली।
So this we will write as application. Okay, application of elasticity में पहला application जो हम लोग study कर चुके हैं to know ductility or brittleness. एक तो ग्राफ देखने से आपको ये पता लग जाएगा कि वो कैसा है. दूसरा, किसी भी मटेरियल पे कितना लोड या स्ट्रेस देना चाहिए विद इन यील्ड लिमिट ताकि वो वापस आ जाए. ओके, कई मशीनें ऐसी होती हैं या कोई मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको कभी भी टूटना नहीं चाहिए, ब्रेकिंग पॉइंट उसका कभी भी नहीं आना चाहिए. ऐसा एक मटेरियल है हमारी लिफ्ट की रस्सी, जिससे बिल्डिंग में 10 मंजिल 20 मंजिल हम लोग ऊपर जाते हैं, उस लिफ्ट को एक रस्सी ऐसा ऊपर खींचती है और हम लोग इतनी सेफ्टी चाहते हैं कि वो कुछ भी हो जाए वो रस्सी नहीं टूटनी चाहिए. ठीक है, जब ऐसी सेफ्टी हमको रखनी होती है तो हम कितना स्ट्रेस अलाउ करते हैं. अगर हमको पता है कि एक रस्सी, मोटी रस्सी हमने बनाई, वो 1000 किलो में टूटती है, उससे कम में नहीं टूटती है, तो उसमें हम लिफ्ट का वेट कितना रखना चाहेंगे, आप बताइए कौन किसको कितनी जान प्यारी है. 1000 किलो में वो रस्सी टूट जाएगी, आप अपनी लिफ्ट का वेट कितना रखेंगे. आप 100 रखेंगे. आप देखिए, 100 किलो की लिफ्ट के लिए इतनी मोटी रस्सी लोगे कीमत बहुत ज्यादा लगेगी, तो वो दुकानदार आपको क्या बोलेगा कि भैया ये तो 200 किलो तक टूटती नहीं है और आपकी लिफ्ट तो 100 किलो की है, 200 किलो वाली रस्सी ले जाइए, पैसा बहुत कम लगेगा. और ऐसी बहुत सारी लिफ्ट लगनी है, तो अगर आप 100 किलो की लिफ्ट के लिए 1000 किलो वाली रस्सी लेते हो तो वो रस्सी वो आपको 50,000 रुपए में देता है. 200 किलो की टूटने वाली रस्सी लोगे तो वो रस्सी आपको 50,000 की बजाय 5,000 रुपए में देता है, 45,000 आपका बचता है. और वो 200 किलो में टूटती है और आपकी लिफ्ट 100 किलो की है, अब बोलो कौन सी लोगे. 50,000 वाली, इसको जान बहुत प्यारी है. ठीक है, ओके. तो देखिए, इसके ना सब इंजीनियर्स ने मिलकर एक स्टैंडर्ड बनाए हैं, तो इसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है दैट इज 1 to 10. 1 to 10 मतलब अगर 100 किलो की लिफ्ट है तो रस्सी का ब्रेकिंग स्ट्रेस, यील्ड पॉइंट नहीं, ब्रेकिंग फोर्स हम कितना लेंगे, 1000 किलो, 10 टाइम्स. ये सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं. हो सकता है, मुझे इंडिया का स्टैंडर्ड नहीं मालूम है, पर 1 to 8 या 1 to 7 यहां भी रहता है. अमेरिका में 1 to 10 है, वहाँ है. चाइना में और कम है, 1 to 5 है. तो इसलिए वो जो मशीनरी आप देखेंगे जिसने जितनी सेफ्टी ली होती है उतना ज़्यादा मोटा मटेरियल वो यूज़ करेगा. तो अगर 1000 किलो का हमने लोड देना है तो उसके टायर, ट्यूब, प्लेटफॉर्म सब किसके लायक होंगे. अमेरिकन मशीन होगी 10,000 किलो के लायक, रशियन मशीन 10,000 किलो के लायक होगी, इतना भारी होता है. और अगर हमको यह है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा खर्च करेगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और कौन सा उस पर रोज इतना ज़्यादा लोड पड़ने वाला है, 1000 किलो की चीज़ है, 2000 के सहने लायक मशीन ले लेते हैं, सस्ती पड़ेगी, लेते हैं. तो ये अलग अलग देशों के नाम्स हैं, दीज आर नोन एज सेफ्टी लिमिट्स. तो नोट करिए, सेफ्टी लिमिट सेफ्टी लिमिट हम ये रखते हैं, द क्या हमने इसका नाम रखा था, टेंसाइल फोर्स. अप्लाइड फोर्स, तो अगर हमको क्रेन से
क्रेन से एक लोड उठाना है 500 किलो का, तो वो जो तार जिससे हम इसको उठाएंगे वो 200 फुट ऊपर उठा के प्लांट के ऊपर हमको लगाना है, 200 फुट तक वो ऐसी उठती जाएगी। तो अगर वो 100 किलो का लोड है तो वो रस्सी टूटनी कब चाहिए, उसकी टेस्टिंग हम कितने किलो पे करेंगे, तो आंसर है 1000 किलो पे। रस्सी कब टूटनी चाहिए, वो 1000 किलो के पहले नहीं टूटनी चाहिए। उस रस्सी से हम कितना लोड उठाएंगे, 100, बस दैट इज सेफ्टी लिमिट। समझ में आया? तो जब हम मशीन के पार्ट्स बनाते हैं तो किस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, यील्ड पॉइंट को, और स्ट्रेस हमेशा यील्ड पॉइंट से कम होना चाहिए ताकि उसकी इलास्टिसिटी खराब मत हो और वो चीजों को आपस में जोड़कर रख सके। तो हमने ऐसा एक, जैसे आपकी मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, उसका एक चेसिस बना हुआ है, नीचे दोनों चक्के के बीच में एक फ्रेम लगा हुआ है, भले साइकिल हो मोटरसाइकिल हो। जब आप उस पर बैठकर जाते हैं, मान लीजिए हमारा मोटरसाइकिल का दोनों का वेट 100 किलो है, तो ये 100 किलो उस पर है। अब रास्ते में एक गड्ढा आता है और ऐसे उछलता है, तो आपने वो न्यूमेरिकल नहीं किए हैं या किए हैं, हम लोग भी अभी करेंगे फिर से लॉज ऑफ मोशन में, कि जब गाड़ी ऐसे उछल के ऐसे धक्का लगता है तो उस समय इस फ्रेम पर 100 किलो वजन नहीं आता, 300 किलो आता है, 300 kg, 400 kg ऐसा आ सकता है। तो जब इस पे 300 kg आएगा तो इसको हमने बनाया किसके लिए है, 200 किलो के लिए। क्यों? हमको मालूम है कि स्कूटर और सवारी 100 किलो बैठेगी इस पे, तो 200 किलो का बना दिया। लेकिन जब झटका लगता है तो कितना आ गया, 400 किलो, तो क्या होगा, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको कहां क्रॉस कर रहे हैं, ब्रेकिंग पॉइंट, यील्ड नहीं, यील्ड पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं। यील्ड पॉइंट से क्रॉस करने से क्या होगा, स्कूटर टूटेगा नहीं। ये ऐसा हो गया, नॉर्मली 100 किलो का झटका लगने से ये ऐसा होता था, फिर ऐसा हो जाता था, ऐसा होता था, फिर ऐसा होता है। एक बार बड़ी जोर से लगा धक्का, 400 किलो यील्ड पॉइंट क्रॉस हो गया, ये ऐसा नीचे गया, वापिस नहीं आया, ऐसे ही रह गया। तो ये कब होता है, जब हमारा स्ट्रेस किससे ज्यादा हो गया, यील्ड पॉइंट से। याद रखिए, अगर वो स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, टूट जाएगा। दोनों पॉइंट समझ में आए? तो यील्ड पॉइंट के बाद क्या होता है कि वो वापस नहीं आएगा, और स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस के बाद वो टूट जाता है। तो रस्सियां जब हम यूज करते हैं तो उसमें नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस ब्रेकिंग फोर्स से रिलेटेड होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ से रिलेटेड होते हैं, और मशीन में जब हम यूज करते हैं तो किस चीज को ध्यान में रखते हैं, उसके यील्ड पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, कि उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हर चीज को हम यूज करना चाहिए, ठीक है। और अगर इलास्टिक लिमिट के बाद आप यूज करेंगे तो गड़बड़ होगी। जैसे ये स्कूटर का मैंने एग्जाम्पल दिया, हर स्कूटर के नीचे वो रहते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स, स्प्रिंग लगे रहते हैं, पट्टे लगे रहते हैं, ऐसा दबता है फिर वापस आता है, दबता है फिर वापस आता है। और अगर उसका स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, दबेगा, वापस नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से कोई भी चीज लोड नहीं ले सकेगी। यहां पर हमने एक ऐसे कैंटिलीवर लगाया, इस पर कोई चीज रख दी, ये ऐसा था, ऐसा रखा है और थोड़ा सा झुक गया, ये टेबल है या कोई वॉल है, वॉल के ऊपर हमने इसको ऐसा रखा, ये यहां पर जब हम लोड देते हैं तो लोड देने से ये ऐसा हो गया, लोड हटाया वापस आ गया। क्यों वापस आ गया, किस प्रॉपर्टी के कारण, इलास्टिसिटी। इस लोड को हमने बढ़ा बढ़ा कर बढ़ा दिया। ये हमारा घर है, ये उसका छज्जा है, सामने से रामलीला का जुलूस निकला, हम लोग 10 लोग आ गए देखने के लिए, तो लोड बढ़ गया 10 गुना। अब ये वाला लोड जो है ये इसके यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा हो गया, हमने देखा कि ये नीचे आया, थोड़ी देर बाद जुलूस चला गया, हम भी वापस चले गए, देखते हैं वापस ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेस कितना कर दिया था, मोर देन दी यील्ड पॉइंट, तो हमारा पर्पस डिफीट हो गया। इसी तरह से हर मशीन में हम जो यूज करेंगे, वी विल ऑलवेज कीप द लोड विद इन द यील्ड पॉइंट। और लटकाने वाली चीजों में क्या कैलकुलेट करते हैं, सेफ्टी लिमिट 1/10 ऑफ द ब्रेकिंग पॉइंट।
ओके, सो दीज आर सर्टेन एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी. तो ये चीजें हमको कैसे पता लगी? इलास्टिसिटी का नॉलेज से, उससे हमने इसको पता किया. अच्छा, अब हम इस पर आते हैं. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. किस तरह से इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास हम बहुत यूज करते हैं. एक नदी को पार करना है और उस नदी को पार करने के लिए हम यहां पर एक ब्रिज बना देते हैं. ये ब्रिज की यहां से यहां तक की लेंथ, ये लेंथ एल है. ओके, ये एल लेंथ का ब्रिज है. इसके ऊपर जब यहां से बस आएगी, ट्रेन आएगी, कोई भी चीज आएगी, यहां पर पहुंची, तो यहां पर W वेट इस पर पड़ता है. इस वेट पर पड़ने से इसकी शेप ऐसी हो जाती है. कर्व बनेगा समथिंग लाइक दिस, ऐसा हो गया. अब ये बताइए, ये लेंथ अगर यहां से यहां तक L है, तो ये वाली लेंथ, क्या ये लेंथ L है या L से ज्यादा है? L से ज्यादा है. सो वी विल कंसीडर दिस लेंथ हैज बिकम L प्लस डेल्टा L. ये डेल्टा एल इंक्रीज हो गया. ये वही डेल्टा एल है जो यहां फोर्स देने से डेल्टा एल इंक्रीज हो गया था. ये इलास्टिसिटी का केस आ गया, लेंथ बढ़ती है. ठीक है, ये लेंथ कितनी बढ़नी चाहिए? फिर से वही चीज आ गई. इतना स्ट्रेस हो, लेंथ बढ़े, तो ये स्ट्रेस की लिमिट क्या है कि ये बढ़ते बढ़ते ये स्ट्रेस कभी भी यील्ड पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर होगा तो क्या होगा? ब्रिज वापस नहीं आएगा, टूटेगा नहीं. टूटने के लिए क्या चाहिए? टेंसाइल स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस चाहिए. हम टेंसाइल स्ट्रेस तो बहुत बाद में जाके पहुंचते हैं, पहले क्या आ जाती है? यील्ड स्ट्रेस. यील्ड के नीचे क्या होता है? यील्ड के नीचे इलास्टिसिटी काम करती है. एक बस आई, ब्रिज ऐसा हुआ, बस चली गई, ब्रिज वापस चला गया. ठीक है, अब उसमें जिस ठेकेदार ने वो ब्रिज बनाया, उसको वहां पर 1000 किलो लोहा लगाना था, उसने 600 किलो लगाया. होता है, हर ब्रिज में ऐसे ही होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सेफ्टी पॉइंट हमने बहुत रखा है हमारे डिजाइन में. तो 1000 के किलो के लोहे से बस आती है, ये ऐसा होता है, चली जाती है, सीधा हो जाता है. 600 किलो वाला भी सीधा हो जाता है, किसी को पता नहीं लगता. लेकिन एक साल बीता, दो साल बीता, बीच में उसके ऊपर 30-30 टन की गाड़ी आ गई. लंबी गाड़ी देखी है, 12-12 चक्के वाली, उसमें लोहा भर के आ गया. बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, वेट बहुत ज्यादा हो गया और यील्ड लिमिट को क्रॉस कर लिया. अब क्या होगा? वो गाड़ी आई, ब्रिज ऐसे दबा, वो गाड़ी तो चली गई, ये वापस नहीं उठा. ठीक है, अब अगले साल आप जाइए नांदघाट वाले ब्रिज पे. रायपुर गए हो कभी ब्रिज से? बिलासपुर से रायपुर, बीच में ब्रिज पड़ता है, देखिए ऐसा 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 खंबे के बीच में. बहुत ब्रिज आपको ऐसे मिलेंगे. आप किसी भी ब्रिज पर जाइए तो हमारे जो इंजीनियर हैं उनकी दया से सब जगह आपको ये डिप मिलेगा, ये वाला डिप. ठीक है, सो इट इज अ शेम फॉर अस कि नहीं होना चाहिए. ये डिजाइन का फॉल्ट है, या डिजाइन अगर ठीक है तो एग्जीक्यूशन का फॉल्ट है कि जितना स्टील उसमें प्रिस्क्राइब था उतना स्टील नहीं लगाया गया. इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही चीज हमारे काम में आती है जब हम घर बनाते हैं. जब हम घर बनाते हैं तो दो दीवार रखते हैं और दो दीवार पे जब छत डालते हैं तो उस छत का बहुत वजन होता है, वेट होता है, और वो वेट सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा और उसके कारण उसमें डिप आ जाएगी. ये छत हम ऐसे डालते हैं, थोड़े दिन बाद हम देखते हैं ये छत ऐसी हो गई. ये किसी भी मकान की छत पे चढ़ के देखिए, कुछ दिन बाद वो बीच में हल्की सी छत नीचे चली जाती है. हमको लगता है प्लास्टर के कारण ऐसा हो गया, वेट के कारण होता है. तो हमको इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो इतनी मजबूत हो कि हम यील्ड पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं, उससे बहुत कम स्ट्रेंथ हमको यूज करनी चाहिए. तो इसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को समझिए. वो हमारे सिलेबस में है,
कैलकुलेशन क्या है कि ये जो डिप होता है यहां पर, अब इतनी कहानियां सुनने के बाद आप मुझे ये बताइए कि ये जो डिप है इसका हम एक मेजरमेंट दे देते हैं, लेट्स कॉल दिस डिप एज डेल्टा, छोटी सी, लेट्स कॉल दिस डेल्टा। ये डेल्टा कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? एक अच्छे ब्रिज में कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ये डेल्टा किस पर डिपेंड करता है? जितना ये कम होगा उतना डेल्टा एल भी कम होगा, उतना एक्सटेंशन भी कम होगा। एक्सटेंशन कम होने का मतलब क्या है? स्ट्रेस को वो बियर कर रहा है, और जितना एक्सटेंशन कम होगा उतना वो यील्ड पॉइंट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये डेल्टा एल किस किस पर डिपेंड करता है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए, कैलकुलेशन की गई, और इस डेल्टा एल का फॉर्मूला बनाया गया। इसका जो फॉर्मूला बनाया गया उसके लिए समझिए, जो हम इसको ऐसा यूज करेंगे दोनों को क्रॉस करने के लिए दीवार के ऊपर, जिसको हम बीम कहते हैं। ओके, ये बीम हमने ऐसी यहां पर रखी, ये दो दीवार पर बीम है। अच्छा, इस बीम के ना तीन डायमेंशन होते हैं, उस डायमेंशन को पहले समझ लीजिए। ये इसको हम बोलेंगे लेंथ एल, इसको बोलेंगे विड्थ डब्ल्यू, और इसको बोलेंगे डेप्थ डी। लेंथ विड्थ डेप्थ, ठीक, ये हमने इसको ऐसे रखना है। हम इसकी लेंथ विड्थ और डेप्थ को चेंज कर सकते हैं। ये है अभी मान लीजिए 20 by 10 by 2 20 10 2। अगर मैं इसको ऐसा रख दूंगा तो ये कितना है 20, W कितना हो गया, विड्थ कितनी हो गई 2, और डेप्थ कितनी हो गई 10। तो मैं चाहूं तो लेंथ विड्थ डेप्थ इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूं। इसको हमेशा लेंथ बोला जाएगा, इसको हमेशा W बोला जाएगा, और इसको हमेशा D बोला जाएगा। इसको पलटेंगे चेंज होता जाएगा तीनों की वैल्यू। ओके, तो जब हमने इसको ऐसा रखा यहां पर, तो उसे मैं यहां थोड़ा सा और बना देता हूं। ये ओके, यहां से यहां तक लेंथ है इसकी, मैं थोड़ा इसे और करेक्ट कर दूं। ये है इसकी डिप डेल्टा, ओके, जिसको हम कम से कम रखना चाहते हैं। ये वाली जो डायमेंशन है इस डायमेंशन को हम कहेंगे लेंथ, ये वाली जो डायमेंशन है इसको कहेंगे विड्थ डब्ल्यू, और ये जो मोटाई है इसको हम कहेंगे डी। दिस थिकनेस इज डी डी। तीनों डायमेंशन समझ में आ गई? तो और इस पर जो ऊपर से लोड पड़ रहा है, यहां से ये लोड है W, जो कि इस पर स्ट्रेस बनाएगा। तो इनका जो आपस में रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट डिप इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू W L क्यूब डिवाइडेड बाय 4 B D क्यूब यंग्स मॉडुलस। ये फॉर्मूला नोट करिए, ये हमको दिखाएगा कि डिप कितनी होगी, और हम चाहते हैं डिप कम से कम हो। अगर डिप ज्यादा होगी तो खतरनाक हो जाएगी, स्ट्रेन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो वापस नहीं जाएगा, ये लिमिट के बाहर हो जाएगा। अब डिप किसके कारण बढ़ता है और किसके कारण नहीं बढ़ता है, इसकी क्वांटिटीज को हम चेक कर लेते हैं। ओके, ये सबने नोट कर लिया। अगर इसकी लेंथ को 2 गुना कर देंगे तो ये डिप कितना बढ़ जाएगा? एल को एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, कितने गुना बढ़ गया है? एल को एक बार 1 रखा, 1 to the power 3 कितना होता है 1, दूसरी बार 2 रखा, 2 to the power 3 कितना हुआ 8। तो डिप कितने गुना बढ़ गया,
एट टाइम्स। तो अगर हम 10 फुट का कमरा बनाते हैं, उसकी जगह 20 फुट का कमरा बनाएंगे तो छत कितनी नीचे आ जाएगी, 8 गुना। समझ में आया? ब्रिज की बात करते हैं। ये अगर ये ब्रिज की जो लेंथ है, इस लेंथ को नॉर्मली हम इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में स्पैन कहते हैं। ये इन दोनों के बीच का स्पैन एक पर्टिकुलर लेंथ है। अगर हम लेंथ को 2 गुना कर देंगे तो ये डिप का चांस कितना बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स। पक्का है टूट जाएगा। समझ में आया? तो ये लेंथ का इफेक्ट। दूसरा, वेट पावर 1, डिप पावर 1। वेट को 2 गुना करेंगे, डिप भी 2 गुना। वेट को 3 गुना करेंगे, डिप भी 3 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, अब नीचे वाली क्वांटिटीज पे आइए। व्हाट इज बी? ओ बी, डब्ल्यू हमने रखा है वेट के लिए, तो डब्ल्यू हम विड्थ के लिए नहीं रख सकते। लेट मी करेक्ट इट, आप लोग भी इसे करेक्ट कर लीजिए। ये जो विड्थ है, विड्थ की जगह हम वर्ड यूज करेंगे ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ के लिए क्या नाम रखेंगे, बी। तो इसे आप कृपया बी कर लीजिए, ये बी। समझ में आ गया? बी स्टैंड्स फॉर ब्रेड्थ। हाइट, ओके, ठीक। अब ब्रेड्थ को अगर हम 2 गुना करेंगे, सुनिए इधर सब, ये वाली चौड़ाई, इसको अगर हम 2 गुना कर देंगे, बी को 1 की जगह 2 रखिए, तो डिप कैसी हो जाएगी, हाफ, 1/2। अगर इसको 2 किया तो ये डिप कैसी हो जाएगी, जितनी हो रही है उससे हाफ। इसलिए चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, ये क्या चीज है, डेप्थ। ये अगर हम डेप्थ को दुगुना कर दें, सिर्फ 2 गुना, तो इस डिप का क्या होगा? ये डिनोमिनेटर में है, डिप कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? 8 टाइम्स कम हो जाएगी। डेप्थ को हम कितना बढ़ा रहे हैं, सिर्फ 2 गुना, और ये जो डिप थी ये एकदम कम हो गई। कितनी कम हो गई? 8 टाइम्स कम हो गई। तो डिप को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या मिली, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। हम उस डिप को कम करना चाहते हैं, वेट को कम कर देंगे, लेंथ को कम कर देंगे, ब्रेड्थ को बढ़ा देंगे, डेप्थ को बढ़ा देंगे, क्योंकि इनसे ये कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, और यंग्स मॉडुलस को भी बढ़ा देंगे। कौन सी चीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? हाँ, डेप्थ को बढ़ाना सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो डबल होने से डिप को 8 गुना कम कर देता है। लेंथ को कम करने से भी यही असर होता है, पर लेंथ को कम करना हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक नदी को पार करने के लिए हमको 6 पिलर लगते हैं, इतनी इतनी लेंथ पे। अगर हम लेंथ को कम कर देंगे तो 8 पिलर लगेंगे, 2 पिलर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, 2 कॉलम की, सो इट्स ए कॉस्टली अफेयर। अब ये जो चीज है डेप्थ को बढ़ाना, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती। कैसे कॉस्ट नहीं लगती है, देखिए, ये हम लोहा लेके आए 500 किलो और ये दोनों ब्रिज पे ऐसे रख दिया। ये ब्रेड्थ कितनी है, 10, डेप्थ कितनी है, 2। ठीक, इंजीनियर आया, उसने कहा नहीं ऐसा मत करो, ऐसा रख दो। ये अब डेप्थ कितनी हो गई, 10, पहले कितनी थी, 2, अब कितनी हो गई, 10। तो 2 से 10 कितने गुना बढ़ा, 5 गुना, 5 टाइम्स बढ़ गया। अगर ये 5 टाइम्स बढ़ गया तो इसका इफेक्ट कितना, 5 × 5 × 5, ये कितना कम हो गया, 125 गुना कम हो गया, नहीं रहा, नहीं के बराबर रहा। समझ आया? लोहा वही है। इसलिए किसी भी बीम को कैसे रखना चाहिए, ऐसे, जिसमें उसकी डेप्थ ज्यादा से ज्यादा हो, और ब्रेड्थ भले कम हो जाए, अगर हमारे पास चॉइस है, चॉइस तो होगी,
जैसे हमारे दो पिलर हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, ये जैसे 10 मीटर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, इस पर मुझे छत डालनी है, छत का कुछ वेट आएगा, 10,000 किलो वेट आएगा, वो वेट इसको छत को ऐसे दबा देता है। अब मेरे पास तो ये लोहा है, इस लोहे को मैं ऐसे रखता हूँ तो ये छत 10 मिलीमीटर नीचे दब जाती, 8 मिलीमीटर नीचे दब जाती, 8, और अगर मैं ऐसे लगाता हूँ तो 1 मिलीमीटर बस, तो मेरी तो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगी, मैंने सिर्फ क्या किया, इसको ऐसे रख दिया बस, और ये इस फॉर्मूला के कारण। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला हमको बहुत हेल्प करता है, और ये हमको एक्सप्लेन करता है कि कोई भी मेटल हमको कैसे यूज करना चाहिए कि उसकी हाइट डी ज्यादा से ज्यादा रहे और उसका वेट कम से कम रहे। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास जितने गिवन मास का स्टील है, उस स्टील को ये हमने ऐसा लंबा बनाया और यहां से ऐसे ये और यहां से इस तरह से, ये ऐसे समझ में नहीं आता, जब हम इसको साइड से देखेंगे तो ये साइड से हमको ऐसे दिखेगा। ये और ये फिर ऐसे चला जाएगा। ऐसी कोई चीज देखी आपने? ऐसी कोई चीज देखी? रोज देखते हो रेल की पटरी, देखी रेल की पटरी, ऊपर से ऐसी नीचे से ऐसी, बीच से पतली, क्यों? क्योंकि हम बढ़ाना किसको चाहते हैं? ये अगर मैं ये वाला जो है, ये देखिए, इतना बड़ा स्टील का पीस लेता हूं, ये स्टील है 50 किलो, इसमें से मैंने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, बाकी बचा 25 किलो, ये कम हो गया। इसको देखो, क्या इसका डी कम हुआ? नहीं, उतना का उतना ही है। क्या इसका बी कम हुआ? चौड़ाई ये रहा बी, ये तो एल है, डजंट मैटर, ये बी है और ये डी है। तो अगर हम यहां से ऐसा लोहा निकाल देते हैं तो इसकी डेप्थ में कोई असर नहीं पड़ता, डेप्थ उतनी की उतनी ही रहती है, लेकिन 50 किलो की जगह ये कितने की बन गई? 25 किलो की बन गई। इस तरह से बिना स्ट्रेंथ का समझौता किए हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, ये फॉर्मूला इसलिए काम में आता है। ओके, तो ये इसमें हम ऐसा क्यों, अब हमको हमारे पास उतना ही पैसा है जिसमें 50 किलो लोहा हम ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसे सॉलिड लोहा लेते हैं तो एक लेंथ मिलेगी आपको लोहे की, 50 किलो हो गया, हमारा पैसा खत्म। अब हमने क्या किया, ये वाली शेप ली, ये 25 किलो में बन जाती है, तो हम कितनी लेंथ ले सकते हैं? 2 लेंथ ले सकते हैं। तो क्या लेना बेनिफिशियल है? ये शेप लेना बेनिफिशियल है, इसलिए ये इस शेप में हम सब चीजें बनाते हैं जिसको कि हमको लोड देना होता है, और इसका हमने ये आई से इस लेटर मिलता जुलता है, सो वी कॉल इट आई बीम। तो घरों में जब हम ब्रिज बनाते हैं, छत बनाते हैं, तो कौन सी चीज यूज करते हैं ब्रिज बनाने के लिए? आई बीम। आई बीम क्यों यूज की जाती है, ये क्वेश्चन आपको आता है, व्हाई डू वी यूज आई बीम? बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव मैक्सिमम हाइट इन ए गिवन मास। ऐसे इसको भी हाइट बढ़ाना मना थोड़ी है, आप इस पे और लोहा लगा दीजिए, और लोहा लगा दीजिए, इतना मोटा बना दीजिए, पर इसका टोटल वेट कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं, वेट मत बढ़े इसका अपना, लेकिन हाइट बढ़ जाए, तो हम इसको ऐसा फिट कर देते हैं, ये इतनी हाइट हो गई, अब इसका डिप बिल्कुल नहीं आएगा। तो एक गिवन वेट में अगर हम ये शेप देते हैं, वी गेट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और यील्ड पॉइंट के अंदर ही हम काम करते हैं। ये समझ आया? दिस इज द रीजन फॉर यूजिंग आई बीम। नोट करिए,
The shape of I beam is used. The shape of I beam is used because with minimum mass of steel, we can have maximum height. We can have maximum height. ब्रैकेट में लिखिए डी, स्मॉल डी. वी कैन हैव मैक्सिमम हाइट डी. सो दैट इट कैन टेक मैक्सिमम वेट. इट कैन टेक मैक्सिमम वेट. ओके, अब थोड़ा सा ये रिलेशन समझिए. वेट इसमें कहां से आ गया शब्द? ये जो है, हमको मालूम है कि ये 8 मिलीमीटर से ज्यादा लंबा होगा तो ये यील्ड पॉइंट के बाहर चला जाएगा. हम नहीं चाहते कि 8 मिलीमीटर से ज्यादा लंबा हो, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई? 8 मिलीमीटर. अब अगर हम डी को बढ़ाते हैं तो वेट को बढ़ा सकते हैं. ये कितना होना चाहिए? 8 अपॉन 1. अगर हम इसको 2 कर दें तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 8 गुना बढ़ जाएगा, 64 अपॉन 1. अगर हम इसको 3 कर देंगे तो ये 8 गुना और बढ़ जाएगा, दैट विल बी 400 टाइम्स. तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते चले जाते हैं, ऊपर से जाने वाले वेट को भी हम बढ़ा सकते हैं. तो अगर भारी गाड़ियां जानी हैं तो हम इसको उठाकर ऐसा कर देते हैं, अब भारी गाड़ी जाएगी तो भी इसका डिप जो है एक लिमिट के अंदर रहेगा. तो हमने मैथमेटिकली इसको कांस्टेंट कर दिया कि भैया हमारा ब्रिज जो है 8 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं दबना चाहिए. 8 मिलीमीटर, ये वाला हमने देख लिया कि डेप्थ कितनी है. उसको बढ़ा देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? अगर इसको 8 रखना है, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा. इसको 2 गुना इंक्रीज किया, ये 8 गुना इंक्रीज हो गया. इसको 4 गुना इंक्रीज किया तो ये 64 गुना इंक्रीज हो गया, 64 टाइम्स. इस तरह से हम ऊपर के लोड को बढ़ा सकते हैं. और यही चीज है जो आप देखते हो कि इंजीनियर कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके ब्रिज के ऊपर नोटिस लगा देते हैं, 10 टन से ज्यादा भारी गाड़ी नहीं जाएगी, ऐसे नोटिस लगे हुए. हमारे यहाँ जो अभी दर्री डैम बना हुआ है उसके ऊपर भी ये नोटिस लगा हुआ है कि 10 टन के ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी, और उसमें 20 टन की गाड़ियां जाती हैं क्योंकि दूसरा ब्रिज नहीं है. तो एनीवे, वो अलग बात है, लेकिन ये वो फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना वेट हम अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि हम डेल्टा को एक लिमिट बांध देते हैं. ओके, तो ये इलास्टिसिटी के एप्लीकेशन हो गए. तो अब हमने इलास्टिसिटी के सारे फीचर्स पढ़ लिए, अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं थोड़े से.